स्टफ़ पनीर कुलचा किसे पसंद नहीं, तो आज की हमारी रेसिपी है स्टफ़ पनीर कुलचा, जो बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम पनीर। यहाँ मैंने लगभग 150 ग्राम पनीर लिया है और उसे ग्रेटर की हेल्प से अच्छे से ग्रेट कर लेना है हमने। पनीर हमारा ग्रेट हो गया है। अब एक पैन ले लेंगे और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल का। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ एक कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनें। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं तो अब इसमें मैं थोड़े ड्राई मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का, साथ में एक छोटा चम्मच नमक का, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का और साथ में एक रफली चॉप टमाटर इसमें ऐड कर लूँगी। गैस की फ्लेम इस टाइम लो पर है। साथ में एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको ढककर पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। हमारी वेजिटेबल अब काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है पनीर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम पनीर को सारी वेजिटेबल्स के साथ और 2 मिनट तक इसे ऐसे ही हम पकाएंगे। गैस की फ्लेम इस टाइम आप मीडियम पर रख सकते हैं। अब इसकी फ्लेवर को थोड़ा और बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच चाट मसाले का। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अपने पनीर की स्टफिंग में। हमारी पनीर की स्टफिंग एकदम रेडी हो गई है और ये एकदम परफेक्ट बनी है। तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसी टाइम हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अपनी पनीर की स्टफिंग में। अब मैंने लिए हैं 2 कुलचा ब्रेड। ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती है रेडीमेड। तो एक साइड पे मैं इसके बटर लगा रही हूँ। काफ़ी अच्छे अमाउंट में इसमें बटर लगाइए तो टेस्ट और भी उभर कर आएगा। दूसरी कुलचा ब्रेड लेंगे और उस पर हम लगाएंगे टमाटो सॉस। अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए टमाटो सॉस को अभी दूसरी साइड पर। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारी पनीर की स्टफिंग जो हमने अभी रेडी की थी। अच्छे अमाउंट में इसे डालिएगा तभी टेस्ट आपका कुलचे का अच्छा आएगा। तो अच्छे से प्रेस करते हुए इसे डालिए कुलचे में। और इसे कवर कर दीजिए दूसरी कुलचा ब्रेड से। अब हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पैन में मैंने थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया है और जैसे ही ये बटर हल्का सा गर्म होगा तो हम इसमें अपने कुलचे को सेक लेंगे। कुलचे की दूसरी साइड भी हम थोड़ा बटर लगा लेंगे और अब इसे सिकने देंगे। एक तरफ से सिक गया है तो हम इसे पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे। मुझे थोड़ा और क्रिस्पी चाहिए तो मैं इसको थोड़ा और सेक रही हूँ। तो दोनों तरफ से उलट पलट कर आप इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लें। देखिए बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए हमें अपने कुलचे का। अब हम इसे निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। मैं आपको काट के दिखाती हूँ कुलचे को बीच में से। देखिए कितने अच्छे से पनीर इसमें फिल हो रखा है और बिल्कुल इंटैक्ट है, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकला हमारा पनीर कुलचे से। अब मैं इसे सर्व करने से पहले और थोड़े छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। अब एक सर्विंग प्लेट लेंगे, उसमें मैंने सॉस डाल लिया है और साथ में मैं रख लूँगी अपने कुलचे के छोटे छोटे पीसेस जो हमने किए हैं। तो हमारा स्टफ़ पनीर कुलचा एकदम रेडी हो गया है। ये रेसिपी आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकती है, इवनिंग स्नैक में भी, इवन आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।